दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानी के भाग दो में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार बेताल ने विक्रम को एक राजकुमारी की कहानी सुनाई। चलिए अब भाग तीन में नई कहानी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं बेताल ने विक्रम को कौन सी कहानी सुनाई। यमुना नदी के किनारे पर धर्मस्थान नाम का एक नगर था। वहां उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर के भीतर केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के किनारे जप तप किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी ही सुंदर थी। जब वह लड़की ब्याह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी को बहुत चिंता होने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात की, उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां एक लड़के से यही वादा करके आ गया। कुल मिलाकर तीनों तीन लड़कों से वादा कर चुके थे कि वो अपनी बेटी की शादी कराएंगे। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण उसका लड़का और ब्राह्मणी दोनों तीनों सोच में पड़ गए। अब देव योग से हुआ ये कि लड़की को काट लिया सांप ने और लड़की वहीं मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया गया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तो तीन लड़के आए थे, उनमें से एक लड़के ने हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा लड़का योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। अब एक दिन की बात है, वो जो तीसरा लड़का था जो योगी बनकर के देश विदेश घूम रहा था, वो घूमते घूमते किसी नगर में पहुंच गया और वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठ गया। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसका जो छोटा बेटा था उसने उसका आंचल पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिया। ब्राह्मणी अपना आंचल छुड़ा नहीं पा रही थी। अब ब्राह्मणी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ गया और उसने अपने लड़के को झिड़का पर लड़का नहीं माना। फिर उस ब्राह्मणी को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने लड़के को जलते हुए चूल्हे में उठाकर पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही वहां से उठ खड़ा हुआ। अब घर वालों ने देखा तो उसको मनाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माना और बोला, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर उस ब्राह्मणी का पति घर में गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा और जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जिंदा हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं उस मरी हुई लड़की को भी जिंदा कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर वहां से चल दिया। अब वहां जाकर जहां पर लड़की मरी हुई थी, उसने देखा कि दूसरे लड़के भी वहां बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाल ली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जिंदा हो गई। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। अब राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी पत्नी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ।
जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ, और जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा को फिर लौटना पड़ा, और जब राजा उसको लेकर फिर से चल पड़ा तो बेताल ने फिर एक और कहानी सुना दी। तो दोस्तों इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।